आज एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हुई राज्यसभा में। लीडर ऑफ द हाउस खड़े होते हैं, वो बोल लेते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होते हैं, नेता विरोधी दल, लाख हम लोगों के अनुरोध के बावजूद भी उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। आज जो सदन में व्यवधान हुआ है वो विपक्ष ने नहीं किया है, सत्तारूढ़ दल ने किया है, और वो सीधे सीधे उनको इशारा किया गया। तो सरकार नहीं चाहती सदन चले। हम सिर्फ इतनी एक मांग कर रहे हैं कि अभूतपूर्व घटना हुई, इसलिए गृहमंत्री जी आए और सदन में पूरी घटना चक्र से अवगत करें और बताएं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो लेकिन क्या आप क्या माने, अब 2 बजे तक के लिए हाउस अडजन हुआ है, आगे चल पाएगा अब ये आज या नहीं? और अगर आप कह रहे हैं कि ट्रेजरी बेंच की तरफ से ऐसा किया जा रहा है तो ये बड़ा आरोप विपक्ष की तरफ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सदन के पिक्चर सारे सामने हैं, देख लिया जाए कि ये तो पूरा विपक्ष और उसे उकसाया जा रहा है, हो रहा है, तो ये तो सरकार नहीं चाहती सदन चले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।